हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सत्यम और पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत बहुत बड़ा थैंक यू मेरे दिल से। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। जो मेरी लास्ट वीडियो थी जो मैंने नारद के ऊपर बनाई थी, तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आप लोगों को तहे दिल से। गाइस, मैं इस वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगा। ये वीडियो पूरी तरह एजुकेशन में बेस्ड है और इस वीडियो मैंने कवर किया है ज्योग्राफी के सोलर सिस्टम को। गाइस, मैं बताना चाहूँगा ये सोलर सिस्टम मैंने पूरा 3D में कवर किया है और मैंने कोशिश की है कि इसमें पूरी तरह एंटरटेनमेंट बेस्ड हो, इसमें कहीं भी आपको बोरियत ना हो। आप बोर हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, और मैं आपको बोर होने दूँ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरह क्रैमिंग बेस्ड है। क्रैमिंग, क्रैमिंग माने रटना। हमारे चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे ISC मीडियम हो, सबका सब क्रैमिंग बेस्ड है। तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो वही चीज़ रह जाती है, उसी के चलते कहीं ना कहीं हमारी नींव कमज़ोर रह जाती है। तो जब हम रेलवे SSC या किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए बैठते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए बैठते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं औरों के मुकाबले, क्योंकि हमारी नींव कमज़ोर है। तो मैंने कोशिश की है इसमें 3-4 चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है कि आपको कहीं से भी ऐसा ना लगे कि आप कमज़ोर हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ इस 13 मिनट के वीडियो में, जब आप 13 मिनट बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के सोलर सिस्टम से सॉल्व कर पा रहे होंगे। और गाइस, इसमें वो क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। सही सुना मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्वेश्चन वो हैं जो आने ही आने हैं, जो 100% है। यदि सोलर सिस्टम उठाया गया ज्योग्राफी का यदि किसी भी पेपर में, तो ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि कहा जाता है, मेरे एक दोस्त है जिनका नाम है चंदन, वो कहते हैं जिसके पास जितनी लर्निंग होती है उसके पास उतनी ही अर्निंग होती है। तो गाइस, हमेशा लर्न करने के पीछे भागिए। पैसा तो आपके पीछे आएगा ही आएगा, हमेशा लर्निंग के पीछे भागिए। तो यदि आप 6th, 7th, 8th या 9th स्टैंडर्ड के हैं, यदि आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप कुछ जनरल नॉलेज से कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखिए, आपके छोटे भाई बहन यदि किसी छोटी क्लास में है तो इस वीडियो को उनको शेयर कीजिए। और यदि कोई छोटा लड़का इस चीज़ को देख रहा है, तो प्लीज़ अपने बड़े भाई बहनों को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी गाइस खाली नहीं जाता, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो गाइस, चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। थैंक यू गाइस, शुरू करते हैं ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। तो पहला क्वेश्चन जो आता है यूनिवर्स से, इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चंस पूछ नहीं जाते हैं, बस पूछा जाता है कि यूनिवर्स की प्रोडक्शन यानी सृजन हुआ कैसे, ये कहाँ से आ गया, कैसे बन गया। तो कहा जाता है कि यूनिवर्स में बहुत पहले जब कुछ नहीं था, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब कुछ नहीं था, तो एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ बूम करके। तो इस ब्लास्ट से बहुत सारी गैसेस इकट्ठा हो गई, बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए, रेडिएटिव जोन बन गए, रेडिएशन खूब सारा बना। तो इसी से धीमे 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 स्टार्स बने, फिर प्लैनेट्स बने, धीमे 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 ब्रह्मांड बन गया। इसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यस गाइस, बिग बैंग थ्योरी इज़ अ कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। और उसको देने वाले जॉर्ज लैम्पियर थे। इनका नाम थोड़ा गाली जैसा है, पर हमें याद रखना होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है। और बात करें यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स में 2 बिलियंस के आसपास गैलेक्सीज भरी पड़ी है, उतनी ही उनमें तारे हैं, मतलब 2 बिलियंस गैलेक्सी हैं, और एक गैलेक्सी में 2 बिलियंस के आसपास स्टार्स हैं। वैसे अभी काउंट नहीं किए गए, बस एक अंदाज़ा है, क्योंकि कहते हैं सर के बाल और पेड़ के पत्ते और यूनिवर्स के तारे कभी गिने नहीं जा सकते, तो ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। तो गाइस, इससे बस इतना ही बनता है। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम की ओर, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। सोलर सिस्टम में भी सिर्फ अर्थ और सन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किसी से क्वेश्चन नहीं आते। चलते हैं गाइस सोलर सिस्टम की ओर। जैसे कि हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें हमारे मामा, फूफा, ताया, चाचा, बड़े पापा सब घुसे हुए हैं। मामा हमारे चंदा मामा हो गए, फूफा हमारे बृहस्पति हो गए यानी जुपिटर हो गए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिनका नाम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, जिसको हम हिंदी में बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार नहीं होता वैसे, पृथ्वी और चंद्रमा कहते हैं। तो बस इस सारे भरे पड़े हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं, ये 2 तरह की मोशन करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था एक बार SSC में, SSC CGL में पूछा गया था
कि प्लैनेट्स कितने तरह की मूवमेंट करते हैं, यानी कितने तरह की वो गति करते हैं। दो तरह की इनकी मूवमेंट्स होती है, एक रोटेशनल रोटेशनल मोशन, एक सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब ये अपनी रोटेशन पे ही मूव करते हैं, अपनी डिग्री पे ही घूमते रहते हैं और सन के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे कहते हैं। तो हमारी अर्थ जो टाइम लेती है वो 365 डेज के आसपास लेती है। सभी प्लैनेट्स का अलग अलग टाइम पीरियड है। हम अपने अर्थ के हिसाब से, अपने अर्थ के जो डेज है, जो कि 365 डेज हैं, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। बस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो अर्थ हमारी सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है वो 365 डेज में नहीं, 365.4 डेज, यानी 4 आवर्स भी हैं, जो कि 6 साल बाद लीप ईयर के रूप में बढ़ते हैं। ठीक, 24 आवर्स का एक डे होता है, 6 ईयर्स बाद 4 × 6 करेंगे 24 डे, 24 आवर्स हो जाएगा, जिससे एक दिन क्रिएट हो जाएगा। इस तरह लीप ईयर में कॉन्सेप्ट आता है। तो बस इस चीज़ को याद रखें। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो सबसे बड़ा ग्रह हमारे जुपिटर है, इसे हम बृहस्पति कहते हैं। और जो हमारी अर्थ है वो 5th नंबर की है, दूसरे नंबर में सबसे बड़ी प्लैनेट है। और अब हम आते हैं अपने सन की ओर, तो सन की ओर चलते हैं। सन में क्या क्या है, यू, तो गाइस हम इसकी बात करते हैं। सन पूरे प्लान हमारे सोलर सिस्टम का एक एनर्जी सोर्स है, इसी में एनर्जी है, इसी में रेडियो एक्टिव एनर्जी भरी पड़ी जो पूरे प्लैनेट्स को चार्ज करती है, और मून भी इसी की एनर्जी से चमकता है। तो सन को इतनी एनर्जी मिल कहाँ से रही है, इसकी सोर्स क्या है एनर्जी का, इसमें जो ब्लैक स्पॉट्स पड़े जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कहाँ से आ गए। तो बस ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सन की एनर्जी का सोर्स क्या है। अब हम अपनी एनर्जी का सोर्स तो जानते हैं कि हमें एनर्जी तभी आएगी जब हमें फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा, पर सन की एनर्जी का सोर्स क्या, सन कहाँ से पाता है, यानी उनका बॉर्नविटा पीता है या फिर हॉर्न देख लो। सन की एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। यस, आप सही सुना, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हिंदी में न्यूक्लियर फ्यूजन को नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स फ्यूजन से हीलियम में बन जाते हैं, जिससे कि एनर्जी क्रिएट होती है। मैं आपको फ्यूजन प्रोसेस दिखाता हूँ। ये बम बम करके जो इसमें ब्लास्ट हो रहे हैं नाइट, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, और जानते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है जब इसमें ज़ीरो होता है चार्ज, और प्रोटॉन प्लस धनावेशित होता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जब टकराते हैं एक दूसरे से, तो इसमें बहुत सारा एनर्जी निकलती है, यही सोर्स है एनर्जी का। और एनर्जी पूरा कहाँ पर इसमें स्टोर होती है, सन के कोर्स में स्टोर होती है पूरी एनर्जी, इसका 14.5 मिलियन केल्विन है जिसकी एनर्जी। और यदि हम इसकी टेम्परेचर की बात करें, तो सन के जो सेंटर का टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री केल्विन है। और यदि हम इसकी सतह की बात करें, यानी लेयर्स की बात करें, तो उसके लेयर में 5760 डिग्री केल्विन है। गाइस मैं आपको इन सब चीज़ की एक पीडीएफ बना के दे दूंगा और एक क्विज भी दे दूंगा, जिसको आप लगा के आराम से इसी पूरी चीज़ को सिर्फ 5 या 2 मिनट 5 या 4 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो आपकी जितने भी चीज़ आने वाली सब चीज़ें उसे कवर हो जाएगा। इसके लिए आप लोग थैंक यू कह सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, पूरे सोलर सिस्टम का जो मास है, 98% जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का मास है वो हमारे सन का है। सन सबसे भारी है, और जो सारे सोलर सिस्टम में जो ग्रह टिके हुए हैं वो कैसे टिके हुए हैं, वो हमारे सन की ग्रेविटेशन पूरे यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इसे चक्कर काट रहे हैं और टिके हुए हैं। नहीं तो गिर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, ये हो जाएगा। पर इसकी सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सारे ग्रह से टिके हुए हैं। तो हम सन की बात करते हैं, सन पे आते हैं। तो सन का जो मास है उसमें 70% जो है वो हाइड्रोजन है, और 28% हीलियम, और जो 2% बचता है उसमें लिथियम और यूरेनियम और अदर चीज़ आती है। इसमें जो आप ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक जो रेखाएं होती हैं, लाइन्स पड़ी होती है, इससे हम फॉरन हॉफर लाइंस कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा हम लोग डीप चले जा चुके हैं, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता, लेयर से कभी नहीं पूछते। सिर्फ इसके न्यूक्लियर फ्यूजन से आएगा, हाइड्रोजन हीलियम से आएगा कि कौन कौन से दो चीज़ें, या फिर मास से ज़्यादा आ सकते हैं कि कितना परसेंट क्या है, या फिर उसका रेशियो पूछ लेंगे, या फिर परसेंटेज पूछ लेंगे, और कुछ नहीं पूछ सकते सूरज से। यदि सूरज की एज की बात करें, तो मेरी एज 19 है, और सूरज की एज अभी तक 5 मिल
अरब वर्ष हो चुकी है और इसकी टोटल ये 10 अरब वर्ष है, अभी 5 अरब वर्ष बीत चुके हैं, अभी आधी इसकी उम्र हो चुकी है। तो गाइस ये रहा ऑल अबाउट सन, इतना ही आएगा सन से। तो गाइस हम अब चलते हैं अपनी अर्थ की ओर, अर्थ अर्थ अर्थ। तो ये रही हमारी धरती माता, चलिए धरती माता के बारे में कुछ जानते हैं। स्ट्रक्चर अर्थ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इससे ज्योग्राफी से ज़्यादातर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड आते हैं। कभी कभी अभी एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें अर्थ की कोर्स के बारे में पूछा गया था कि इनर कोर में क्या क्या पाया जाता है। तो इनर कोर में डेंस सॉलिड आयरन एंड निकल, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं और निकल को Ni से डिनोट करते हैं। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ की आउटर कोर में क्या होता है, तो उसमें लिक्विड आयरन एंड निकल होता है। एक चीज़ याद कर लीजिए, इनर कोर में क्या होता है और आउटर कोर में क्या होता है। या तो इनर कोर में आप सॉलिड याद कर लीजिए, सॉलिड आयरन और निकल होता है, दोनों में सेम होगा, बस सॉलिड और लिक्विड का ही बस डिफरेंस होता है। तो एक याद कर लीजिए कोई भी। और जो ऊपर की इसके लेयर जिसे हम मेंटल कहते हैं, इसमें सॉलिड सिलिकेट रॉक है और सबसे ऊपर वाली जो है लेयर उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिसको जिसमें सॉलिड सिलिकेट रॉक मोस्टली बेसाल्ट के होते हैं। बेसाल्ट एक उर्वरक है, तो जो कि अब हम आते हैं इसकी ऊपर की लेयर में, जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ फोटोस्फीयर के बारे में। फोटोस्फीयर इज अ थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, बिलो द फोटोस्फीयर सन बिकम्स अप, हाउएवर सन के बारे में दिया गया है, अर्थ नहीं है ये। स्ट्रक्चर यदि हम अर्थ की इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बात करें तो ये गाइस खुल चुका है, इसकी कभी कभी बहुत कम पूछा जाता है। अर्थ का डायमीटर लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी कभी पूछ जाती है अर्थ से सन की। तो डिस्टेंस है हमारी 149.96 मिलियन किलोमीटर, जिसे 1 AU कहते हैं। फिर से बताता हूँ, 149.6 मिलियन किलोमीटर है सन से अर्थ की डिस्टेंस। से बहुत पूछा गया क्वेश्चन, बहुत आता है, आप सबको पता होना चाहिए। जब आप हम सिक्स में सेवन में पढ़ते तो हमें ये बताया गया था। एक क्वेश्चन और आता है कि हाउ मच लाइट टेक्स टाइम टू ट्रेवल सन टू अर्थ, मतलब प्रकाश सन से सूरज से अर्थ तक आने में कितना टाइम लेता है। तो 8 मिनट 19 सेकेंड से इसका आंसर, हम 18 सेकेंड्स पढ़ते हैं पर वो गलत है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 19 सेकेंड्स है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। और क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि अर्थ जो रोटेट कर रही है उसकी मोशन की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या। तो वेलोसिटी 29.17 किलोमीटर की गति से, 117 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से वो सन के चारों ओर घूम रही है। और यदि हमें क्या बोलते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना है तो हमें कितना हमें वेलोसिटी चाहिए। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है कि प्लैनेट यानी अर्थ प्लैनेट के बाहर निकलने के लिए हमें कितनी परसेंट की वेलोसिटी चाहिए। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका आंसर है 17.24 किलोमीटर पर सेकेंड। एक आपको पता होगा इस, जब एक रॉकेट उड़ता है तो उसकी स्पीड हमें 17.24 किलोमीटर पर सेकंड से हाई रखनी पड़ती, तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के बाहर निकल पाएगा, वरना उसका निकलना नामुमकिन है। तो गाइस ये ऑल अबाउट अर्थ सन एंड सोलर सिस्टम था। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर ये वीडियो दें क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं, अब अगले भी इंपॉर्टेंट है पर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वो पढ़ रहे हैं और इससे वो जल्दी सीख सकें क्योंकि किताबों से जल्दी चीज़ें सीखी नहीं जाती यार। मैं अभी पढ़ चुका था, मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है, आप भी जानते हैं ये चीज़ें। तो गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर एवरीथिंग।